है मोबाइल लेने के लिए, और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा पहले वाला मोबाइल जो है वो ख़राब हो चुका था, तो आज नया मोबाइल लेने आए हैं और टूट चुका था और मजबूरी में दूसरा लेना पड़ रहा है। हालांकि अभी ऐसा कुछ था नहीं बजट के लिए, बट फिर भी आज मजबूरी की वजह से लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपको अपनी वीडियो भी बनानी थी तो लेना ही लेना था, नहीं तो कितने दिन बिना बनाए रहते। तो आज हम आ गए हैं, तो ये विजया सेल है, यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं मोबाइल। आपको दिखाएंगे कौन सी मोबाइल ले रहे हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग ही मोबाइल ले रहे हैं, आपको दिखाएंगे घर पे चल के आराम से कि कौन सी हमने मोबाइल ली हुई है। तो एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रहे थे, आपको पहले मैंने वीडियो बना के बताई थी ना कि मोबाइल जो है टूट गया है, जिसकी वजह से मुझे एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, मैं उसी में थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के आप लोगों को डाल रही थी, दिखा रही थी, लेकिन फाइनली आज मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं आप ले लो और इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है सोचने की, और हम इसका जो है EMI पे करा लेंगे। तो आज हम आ गए फाइनली लेने के लिए, और अभी बिलिंग हो रही है, एक्चुअली बिलिंग पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो बिलिंग काउंटर पे मेरे हस्बैंड गए हुए हैं और बिलिंग करवा रहे हैं। चलिए मैं आपको घर पहुँचती हूँ, फिर सारे अपडेट देती हूँ। अभी टाइम आपका मैं बताऊँ 9:04 हो गए हैं, घर देखते हैं पहुँचते पहुँचते कितना टाइम होता है। आज खाना वाना भी कुछ भी नहीं बनाया है, अभी देख घर पे देखते हैं क्या होता है जाके आगे का। चलिए मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर बाद। इक्कीस साल का उम्र नहीं है मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो अब हो गई है सुबह, सुबह के बज गए हैं 9 और सभी बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए कंपनी, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। आज का मौसम वैसे ना बहुत बादलों जैसा हुआ है, ये देखो ये क्या कैमरा क्या कर दिया, ये एक्सपोजर लॉट, ओ माय गॉड, अजीब ढंग का क्या कर दिया था कैमरा। ये देखो आज का कुछ मौसम ऐसा बादलों जैसा हो रखा है, बिल्कुल बादल वाले मौसम हो रखे, पता नहीं चलते। अभी वायर वाला आया था, पता नहीं क्या सारा वायर पे कुछ काटा है इन्होंने, और एक ना क्लिप ब्लैक कलर की लगाई है वहाँ पे, पता नहीं क्या लगाई है। और ये देखो मेरे फ्लावर्स, तो सुंदर खिले हैं ना नेस्टियों के। आपको पता है कि इसकी चाय भी हम पी सकते हैं, इवन मैंने खुद इस्तेमाल किया है कई बार इसका चाय बना करके, इसकी पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं और इसके फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाय बनाने के लिए, बड़ा मज़ा आता है। मतलब मज़ा तो चाय पीने में आपको वो उतना ज़्यादा, जैसे गुलाब का चाय बनाते हैं ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको जो है कि हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। यूरिन में जैसे औरतों को इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना कई बार, तो इस समय बड़ी बेनिफिट करता है, तो मैं एक आध दो बार तो पी लेती हूँ, खास करके विंटर सीजन में, क्योंकि जब समर आ जाएगा तो फिर ये मिलेंगी नहीं, अभी विंटर सीजन में ही मिलती हैं, तो एक दो बार औरतों को तो पी लेना चाहिए कैसे भी करके। थोड़ा सा टेस्ट अजीब लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता, बट हेल्थ के लिए तो करना ही पड़ता है इतना सेक्रीफाइस, या तो फिर दवाइयाँ खाओ, दवाइयों से तो अच्छा है कि हर्बल चीज़ें ले लो, तो मैं पी लेती हूँ। तो हाँ मैं आपको आज अपना मोबाइल दिखाऊंगी कि कल मैंने कौन सा मोबाइल ख़रीदा था। कल एक्चुअली हम लोग को बज गया 11, वहाँ से घर पहुँचते पहुँचते 11 बज गए घर पहुँचने में, वहाँ बिलिंग करवाने करने में इतना रश था कि बिलिंग करते करते बहुत टाइम लग गया, और लास्टली तो मेरे हस्बैंड गुस्सा भी हो गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बिलिंग काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा, और सारे के सारे दौड़ के आ गए कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, तो सब ने माफ़ी मांगा और बोला कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आपको कराने की ज़रूरत नहीं होगी, हम खुद कराएँगे बिलिंग। तो हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। एक्चुअली एक दूसरी लेडीज़ थी, उनका कुछ ऐसा इशू था कि नहीं हो रहा था कुछ EMI वगैरह, तो उसके चक्कर में इतना स्लो काम कर रहा था कि घंटे भर से एक ही इंसान का किए जा रहा था, उसका हो ही नहीं रहा था, और फिर बाकी लोग परेशान थे, तो ऐसा हो गया था कल, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। तो घर आते आते काफ़ी लेट हो गया, तो वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो आज मैं आपको दिखाऊँगी अनबॉक्सिंग करके कि कौन सा मैंने मोबाइल लिया है, तो
आई होप अब मैं आपको रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँगी अपने ब्लॉग की। मैंने मोबाइल लिया ही इसीलिए कि आप लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट रहूं और आपको वीडियो बना बना के अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो आपको शेयर कर सकूं। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूं नाश्ता करने के लिए। पराठे और सब्जी है नाश्ते में, तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूं। मेरा सूप, आपको मेरे हर वीडियो में ये सूप तो दिखाई देता होगा ना। सूप रखा है, इसका यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभी बरसात के सीज़न में ज़रूर यूज हो जाता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में क्या होता है, कभी कभी चावल में कीड़े लग जाते हैं तो यूज करती हूँ। इसमें यूज करने के बाद क्या होता है, आधा चावल तो नीचे चला जाता है गिर के, आधा चावल इसमें बसता है क्योंकि अच्छे से फटकने नहीं आता ना वो वाला, मम्मी लोग जैसे करती हैं, लेकिन फिर भी मैं कीड़े तो निकाल ही देती हूँ फटक फटक। भुजिया सब्जी और पराठे, चलो खाते हैं इसे। ओह माय गॉड, मिर्ची खा ली मैंने, इतनी तीखी मिर्ची, पता नहीं मैंने कैसे मिर्ची नहीं देखी, मुझे लगा कॉलीफ्लावर है। जल्दी दूसरा बाइट खाती हूँ, तीखा कम होगा थोड़ा सा। यार कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है, माय गॉड खड़ी तो मिर्च चली गई थी। पराठे जो है ना गरम गरम में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठंडे होने पर इतने मज़े नहीं आते। अच्छा ये देख लो, पराठे खाओ या रोटियाँ खाओ, गरम में जितना टेस्ट आता है ना, ठंडे होने पर टेस्ट नहीं आता। कबाड़ी वाला आ गया, कबाड़ी वाला आया, कबाड़ निकल कुड़ी वाला कहता, कुड़ी वाला आया जो है कूड़ा निकल। हमारे वहाँ ये गाना नहीं होता, हमारे यहाँ तो दूसरा गाना होता है, बट मैं दूसरी जगह पे ये वाला गाना सुनी हूँ। भुजिया सब्जी बहुत टेस्टी बनी, पराठा खाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा, ठंडा हो गया था, बट भुजिया सब्जी बहुत टेस्टी लग रही है। मैं खा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता कर लिया है और अब चलिए बारी है अपना मोबाइल दिखाने की। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को अपना मोबाइल फोन दिखाने के लिए, क्योंकि ये मैं 5-6 सालों बाद, सोचिए मैंने 5-6 सालों बाद आज मोबाइल लिया है। इतने सालों से मैं एक ही मोबाइल चला रही थी और 5-6 साल बीत जाने के बाद आज दूसरे मोबाइल मैंने लिया है। वो शॉप पे लोग कह रहे थे इतने साल तो कोई भी मोबाइल नहीं चलाता है, और मेरा वो मोबाइल जो है ना अभी भी जो उसकी वीडियो है उसकी, मुझे लगता है अभी जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना इसी वीडियो से करी, पहली वाली वीडियो से, क्योंकि ये वाला मोबाइल तो अभी मैंने यूज नहीं करा है। तो उसकी वीडियो क्वालिटी देखिए कितनी मतलब सही थी, ऐसा नेचुरल जैसा दिखाता था, ऐसा नहीं लगता था कि हाँ बहुत फेक है, नेचुरलिटी आती थी। बट इसका प्रॉब्लम यही हो गया कि इसकी स्क्रीन टूट गई, और मुझे स्क्रीन मैंने टूटने की वजह से ना उस पर एडिटिंग नहीं कर पाती थी और प्रॉब्लम होती थी। और दूसरी सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम थी ना वो स्टोरेज की प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्रीन तो हम चलिए फिर भी लगवा सकते हैं, इसमें 1800 का इसका स्क्रीन लग रहा है जो ये मैं हमने शॉप में पता किया, तो 1800 का लगा रहे हैं इसके। तो इसका मेन जो प्रॉब्लम है ना स्पेस का है, अगर आप एक दो वीडियो बना लीजिए तो फुल ये फुल हो जाता है, क्योंकि ये 64 GB का स्टोरेज है इसके अंदर, इंटरनल स्टोरेज, तो बहुत जल्दी भर जाता है। तो वीडियो जो व्लॉग होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं तो उनको ना एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है इसमें,
वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, लंबी लंबी वीडियोज़ जो है इसमें स्टोर नहीं हो पाती हैं। अगर कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ की वीडियोज़ आपको पता ही है कितनी सारी वीडियोज़ बनती हैं, तो वो स्टोर नहीं हो पाते इसमें। सबसे बड़ी जो मेरे लिए प्रॉब्लम थी, स्टोरेज वाली प्रॉब्लम थी, स्टोर नहीं कर पाती थी मैं इसमें। तो ये मैंने लिया है, देखिए ये V29 Pro। तो पहले भी मैं वीवो का इस्तेमाल करती थी और इस बार भी मैंने V29 Pro लिया है। और V29 और 29 Pro में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंसेस का है, जैसा शॉप वाले भैया ने बताया। और मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया था पहले लेने से पहले, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें जो दो फंक्शन एक्स्ट्रा थे वो मेरे काम के हो सकते थे, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनानी होती थी, तो उसके लिए मुझे लगा कि ये काम के हैं दोनों फीचर्स। तो मैंने इसीलिए इसको प्रो को लिया, ना कि सिर्फ V29 को लिया। अगर सिर्फ कॉलिंग करनी होती तो वो बेस्ट था V29, लेकिन अब वीडियो बनाने के मकसद से मुझे लगा कि मैं प्रो ले लेती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगे और ये फीचर मुझे मिल गया। ये पता नहीं क्या ये दे दिया इन्होंने, एक कोडिंग बार जैसा कुछ है लगाने के लिए, पता नहीं बार कोड क्यों दिया है, मैंने पूछा भी नहीं बार कोड किस लिए है। तो ये देखिए, ये है हमारा मोबाइल, चमचमाता मोबाइल, ये देखिए। और ये पता है किस कलर का है, दिखाती हूँ, बताऊँ क्यों, क्योंकि अब तो दिखा ही रही हूँ ना आपको सारी चीज़ें। ये निकलो निकलो निकलो, टेन टेन, ये देखिए हमारा न्यू मोबाइल। फ्रंट का आपको दिखेगा और ये रहा बैक, यानी ब्लैक कलर का है। जो मेरा पहला मोबाइल था वो भी ब्लैक कलर का ही था, इस बार भी ब्लैक कलर। एक्चुअली जो भैया थे ना, विजया सेल के भैया, उन्होंने ब्लैक ही मुझे रिकमेंड किया, बोला कि आप ये लो, क्योंकि ये थोड़ा सा मैट फिनिश में है तो जल्दी बैक इसका ख़राब नहीं होगा, वरना जल्दी ख़राब हो जाता है ग्लॉस फिनिश में हमारे। ओके ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली और मैंने ब्लैक कलर ले लिया। हालांकि मुझे कलर तो स्काई ब्लू वाला बड़ा पसंद आ रहा था, देखते देखते पसंद आ गया था, लेकिन भैया के सजेशन से मैंने ये ले लिया। तो चलो ये है, देखो इसके कैमरे दिए हैं, अल्ट्रा वाइड वगैरह भी है, और इसमें वो रिंग लाइट का भी इन्होंने दे रखा, देखो इस पे बना है ना, डब्बे पे भी बना है रिंग लाइट, फिर रिंग लाइट का भी इसमें कुछ है। तो ये सब अभी इस्तेमाल करूँगी ना, तो चीज़ें मुझे पता चलेंगी कि क्या क्या फ़ीचर्स और इसमें है, क्योंकि इस्तेमाल करने से फ़ीचर का ज़्यादा पता चलता है कि असल में फ़ीचर्स क्या है, क्या काम कर रहे हैं अच्छे से और क्या नहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि लिखे तो ये बहुत सारी चीज़ें लिखे होते हैं, बट असल तो जब आप यूज करते हैं तभी पता चलता है। ये तो ट्रे है ऐसे ही, फिर इसके बाद ये क्या दिया, ये इन्होंने दिया है साथ में कवर, बैक कवर दिया, ट्रांसपेरेंट बैक कवर। तो कोई खास इतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ठीक है प्रोटेक्ट करने के लिए, फिलहाल इतना दे दिया वीवो ने, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल किसी ने आ ही नहीं रहा तो सब बंद कर देंगे। ये इनकी की दी है, इस तरह से की है इनका, वो आपको सिम वगैरह इजेक्ट करने के लिए। और ये मैनुअल इनका है, ये भी कुछ मैनुअल ही है, क्विक स्टार्ट गाइड दिया हुआ है। और ये देखो, ये बच गया, मैं सोची गया, ये है चार्जर, मैं सोची गया इसको दिखाते दिखाते गया, बट शुक्र है बच गया। तो ये इसका चार्जर दिया हुआ है, और अभी मैंने इसका चार्जर खोला नहीं है, अब मुझे चार्ज वैसे करना है, चार्ज करूँगी। और ये हैबी सा इसका चार्जर, ये दोनों चार्जर, ये तो वायर है और ये चार्जर है मेन, मैं इसको चार्जर बोल रही हूँ, तो चार्जर ही हुए ना दोनों। बाबा ये भी गिरने वाला था, इस ये ना ऊपर से देखो प्लास्टिक चढ़ी हुई है, पॉलिथीन, और मैं सोच रही हूँ कि पूरा ऐसा ही, अभी गिरने वाला था। तो ये है इसके चार्जर, काफ़ी हैवी है, इसके अंदर ये लगाओ फिर चार्ज करो। तो ये रहा मेरा नया मोबाइल, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए ब्लॉगिंग करने के लिए इस नए मोबाइल से, देखती हूँ कि इसमें कैसा बनता है। फिलहाल जो आप ये वाला ब्लॉग देखेंगे ना, तो ये वाला जो ब्लॉग है ये आप पुराने मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया ही देखेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे अंत, अगले ब्लॉग में फिर आप सभी से मिलेंगे, क्योंकि इसमें स्टोरेज नहीं है ना, बहुत लंबी वीडियो बना नहीं सकते। टिल देन।